हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्विच लीज 2.0। गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं 7-star मीम्स चैनल से ट्रेंडिंग डैंक इंडियन मीम्स एपिसोड 49। ओके, क्या सीन है मीम्स इंडियन मीम्स कंपाइलेशन 7-stars मीम्स। ओके, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। आज हम लोग देखने वाले हैं 7-stars मीम्स किस टाइप के होते हैं भाई, ठीक है, उनमें क्या ऐसी खासियत होती है, तो वो देखेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाबू तू बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी। वाओ, क्या बात है, फिल्टर लगा के कितनी गोरी हो गई। ओ भाई साहब, धोखा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तैयारी चल रही। रुको जरा, सबर करो। भाई साहब, ये वही बंदा है जो वायरल करता है लोगों को, और खास करके अबे लड़की दिखाता रहेगा, हमें कब दिखावा। क्या माल है यार, क्या रे भीख मंगिया, क्या दिख रहा है? संदल खटक, मैं चाहता हूँ कि मैं नंगा हूँ, लेकिन फिर आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? नहीं नहीं, मुझे मेरी इज्जत आनी जानी चीज है, आप करें नंगा। इज्जत आनी जी जी बिल्कुल, नंगा होने के लिए किस बात की इजाजत। चले भाई, हाय सच्ची पूरे दसा तेरे नख, कैसा वाहियात सा टास्क है बे, बहन के पकोड़े बंद कर रहे हो आप। रुको जरा, सबर करो। ये पूनम पांडे को देखकर कौन नहीं थैंक यू की जगह लव यू बोलेगा है। कौन ज्यादा खो गया ना फ्लर्टिंग करने में। तो मतलब आप नेचुरल इतने ज्यादा खूबसूरत हैं या फिर मेकअप करके इतना ज्यादा? चलो सच बता देती हूँ, मेकअप का कमाल है। लड़की खूबसूरत भी है, लड़की लॉयल भी है, सच बोल रही है, और क्या चाहिए? अगर मम्मी देख रही है तो कॉल करके बता दो जल्दी से कि लड़की कैसी रहे। मेरी मम्मी भी देख रही है। लगता लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं आप? भाई तू सड़क पे बैठा हुआ है, ठीक है, टॉपर्स पटाएगा है? सीरियसली इंस्टा पे फॉलो कर रहा हूँ उन्हें, एक एक का नाम ढूंढ ढूंढ के, कितने वेले हैं भाई लोग। राजा जी, सुकून का नाम सुना? हाय हाय, इतना सुकून। इंस्टाग्राम वर्सेस रियलिटी। ओके, रियलिटी क्या है? यार दैट इज सो कैटफिश, कैटफिश, ही इज डैम हॉट मैन, डैम हॉट।
यार अभी भी अगर मतलब बाल अपने स्ट्रेट कर ले वो वैसे ही होंगे उसके। बाय द वे अफ्रीकन्स के साथ ये होता रहता है, सो प्लीज यहाँ पे हैं उसके नेचुरल हेयर्स। व्हाट उनका ट्रेडिशन है ब्रीडिंग कराना। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, थोड़ा सा मार दीजिए, क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छा सब्सक्राइब प्लीज, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। नहीं ऐसे मत करना, प्यार से सब्सक्राइब का बटन दबा दो। ओके इतना फोड़ने तोड़ने की जरूरत नहीं है, है ना, कि हाँ कीबोर्ड की सारी कीज बाहर आ जाए, मोबाइल की स्क्रीन टूट जाए, स्क्रीन गार्ड के साथ साथ स्क्रीन जो है वो भी चटक जाए। इतना जोर से मतलब सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, आप प्यार से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके भाई यार देखो ये चीज़ है, मैं बहुत सारे ऐसे मेकअप चैनल्स हैं ठीक है, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन चैनल्स हैं, इनको देखती हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि हाँ इसकी क्या ही ज़रूरत है, बट होता है यार, किसी किसी को अपने ऊपर सेल्फ डाउट होता है या फिर अच्छा लगता है किसी को, तो वो भी ऐसे मेकअप करना उसे पसंद होता है ठीक है। जैसे मैं अगर आपको बताऊँ तो मैं मेकअप करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है ठीक है, मुझे पसंद है आईलाइनर एंड लिपस्टिक ठीक, तो मुझे ये चीज़ पसंद है इसलिए मैं करती हूँ। मैं किसी को दिखाने के लिए या वैसे ही नहीं कि हाँ भैया नहीं ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ओके मुझे अपने ऊपर सेल्फ डाउट है या कुछ है ऐसा नहीं, मुझे पसंद है इसलिए ठीक। तो वैसे ही भाई उसे पसंद है विग लगाना ठीक है और मेकअप करना, तो क्या दिक्कत क्या है उसमें? क्या दिक्कत है? बस ये है थोड़ा सा कि हाँ वही देखो, इंस्टाग्राम ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि हाँ जो चीज़ दिख रही है वो है, बट ऐसा नहीं होता है। मतलब अगर आप ट्रांसपेरेंट रहना चाहते हो ठीक है अपनी ऑडियंस के साथ, देन आप अपनी बिना मेकअप की भी फ़ोटो डालो ठीक है, रेगुलर फ़ोटो भी डालो एंड मेकअप के साथ भी फ़ोटो डालो, क्योंकि जो जेन्युइन लोग होते हैं वो आपको हर तरीके से पसंद करेंगे। ओके सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।